सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइज माइनक्राफ्ट। और भाई माइनक्राफ्ट में आज हम फिर से बनाने वाले हैं आयरन फार्म। सो गाइज, इससे पहले भी हमने एक वीडियो में आयरन फार्म बनाया था और वो आप चेक कर सकते हो जाकर। अगर वो आयरन फार्म आपको अच्छा लगा था तो आप वो आयरन फार्म भी बना सकते हो। लेकिन आयरन फार्म हम जो बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है पहले आयरन फार्म के मुकाबले। लेकिन भाई, इसमें जो हम आयरन फार्म बनाएंगे उसमें एक एडवांटेज ये भी है कि आप उसमें ज़ॉम्बी रखना चाहो तो रख सकते हो और जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें 3 ब्लॉक्स को एक लाइन में खोद लेना है और इसके बाद हमें 5 ब्लॉक तक सीधा कंटिन्यू खोदना है। तो ये लास्ट 5 ब्लॉक खोद चुके हैं और अभी दूसरी साइड भी हम यहाँ तक 5 ब्लॉक तक लेकर चलते हैं। तो 3x5 का हमें एरिया है वो तैयार कर लेना है और इसके बाद भाई हमें 4 ब्लॉक तक नीचे के जाना है। तो ये अभी हम 4 ब्लॉक आ चुके हैं नीचे और अभी इसके अंदर जितने भी डर्ट है उस सारे डर्ट को मुझे बाहर निकालना है। तो ये डर्ट मैं जल्द से जल्द बाहर निकाल देता हूँ। तो गाइज, हमने सारे डर्ट को बाहर निकाल दिया है और अभी हम इसकी किसी भी साइड पर आप 2 डर्ट ब्लॉक्स है उनको आपको माइन करना है क्योंकि यहाँ पर हम रखने वाले हैं हमारी चेस्ट को। सो अभी हम यहाँ पर रखेंगे हमारी चेस्ट को और 1 ब्लॉक और माइन करना है हमें। और अभी हम यहाँ पर रखेंगे अपनी चेस्ट को और गाइज, चेस्ट रखने के बाद इससे हमें कनेक्ट करना है एक ऊपर। सो गाइज, हमारी चेस्ट भी यहाँ पर आ गई है लेकिन उससे पहले मैं नीचे जाकर बेड लगा देता हूँ क्योंकि इस फार्म में हमें विलेजर्स को भी लाना होगा। सो अभी यहाँ पर हम लगाएंगे 5 बेड और 5 बेड लगाने के बाद हम यहाँ पर लगाने वाले हैं प्लैंक्स को साइड में, जो एक ब्लॉक का ही अवस्था है। हम यहाँ पर प्लैंक यूज करने हैं। आप कोई भी प्लैंक यूज कर सकते हो। सो मैंने वुडिंग प्लैंक है उनको यूज किया है। आप और कोई भी स्लैब वगैरह भी यूज कर सकते हो, तो मैंने ये वुडन स्लैब यूज किए हैं। तो इसके बाद गाइज, हम यहाँ पर विलेजर लाने वाले हैं। आप बोट में लेकर आ सकते हो। मैं क्रिएटिव में खेल रहा हूँ तो मैं एग्स से है विलेजर्स को लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद भाई हमें जो है टॉर्च लेनी है और टॉर्च को इनके यहाँ पर लगा देना है क्योंकि भाई हम इस फार्म को जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पर अंधेरा होगा, तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज हैं वो स्पॉन हो सकते हैं। ज़ॉम्बी वगैरह स्केल्टन वगैरह यहाँ पर स्पॉन ना हो तो नीचे हमें एक टॉर्च लगानी पड़ेगी। और टॉर्च लगा देने के बाद भाई हमें यहाँ पर जो है टॉर्च लगा देने के बाद भाई अब हम यहाँ पर बैठकर होपर लगाने वाले हैं। सो गाइस, ये हमारा होपर लग चुका है। सो गाइस, हमने होपर लगा दिया है और अभी हम लगाने वाले हैं यहाँ पर जो है इसे कंप्लीट कवर करने वाले हैं स्टोन ब्लॉक से। सो गाइस, इसे जल्द से जल्द मैं कंप्लीटली कवर कर देता हूँ। सो यहाँ पर कंप्लीटली कवर करने के बाद भाई हमारा जो आधा फार्म है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद भाई हमें जो है इसके बाद गाइस हमें स्टोन वॉल लेनी है और इस वॉल को हमें इस फार्म के चारों तरफ लगा देना है। सो इस वॉल को हमें 3 ब्लॉक हाइट तक रखना है। और चलिए गाइस, मैं इसे जल्द से जल्द लगा देता हूँ। सो गाइस, एक एक हाइट की तक मैंने वॉल को लगा दिया है और अभी हमें इसे 3 हाइट तक लेके जाना है। तो 3 हाइट तक लेके जा चुके हैं। और भाई यहाँ पर पहले मैं एक किलिंग चैम्बर बना लेता हूँ और बाद में इसे हम चारों तरफ से कवर करेंगे। आप पहले चारों तरफ से कवर भी कर सकते हो। तो किलिंग चैम्बर बनाने के लिए अब हमें बस एक लावा बकेट की जरूरत पड़ेगी और हमें यहाँ पर ओक साइन बोर्ड्स हैं वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी साइन बोर्ड यूज़ कर सकते हो। सो हमें यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर बिल्कुल कोने में लगाना है। यहाँ पर सॉरी, मैंने गलत लगा दिया है ये। सो एक नीचे लगाना है, इसे हटाकर मैं यहाँ पर कोने में लगाना है। सो आप यहाँ पर बीच में एक ब्लॉक रख सकते हो। ब्लॉक रखने के बाद उसके चारों तरफ लगा सकते हो। सो मुझे पता था तो आइडिया था तो मैंने वैसे ही लगा दिया। आप ब्लॉक रख कर भी लगा सकते हो। और अभी मैं चारों तरफ से स्टोन वॉल से इसे कवर कर देता हूँ और यहाँ पर लावा डाल देता हूँ। सो गाइस, हमने लावा डाल दिया और स्टोन वॉल से अभी से जल्द कवर कर देते हैं। तो गाइज, हमने स्टोन वॉल से चारों तरफ कवर कर दिया है और अभी हम इसके अंदर डालने वाले हैं पानी को। सो गाइज, जहाँ पर हमने लावा डाला है उसके अपोजिट में हमें वाटर को डालना है। और जैसे ही हम वाटर डालेंगे, सो गाइज यहाँ पर जो है हमारा फार्म है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस हमें इसके चारों तरफ है ये जो है लीव्स हैं इन्हें लगा देना है। इस चेस्ट के ऊपर वाले एरिया को छोड़ देते हैं हम। और भाई अभी इसके चारों तरफ हमें सिर्फ लीव्स को लगा देना है। लीव्स को लगाने के हमें लगाना है 7 ब्लॉक्स तक।
गाइस 7 ब्लॉक्स तक लीव्स को अब मैं जल्द से जल्द लगा देता हूँ। सो गाइस चारों तरफ लीव्स को लगा देने के बाद हमारा फार्म कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद गाइस हमें इसके साइड में, आप किसी भी साइड कर सकते हो, सो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़कर हमें 4 ब्लॉक नीचे तक खोदना है और उसके बाद भाई हमें एक ब्लॉक आगे की साइड, 2 ब्लॉक यहाँ से कर देते हैं जिसकी वजह से हमें दिखाई दे जाए विलेजर्स। सो हम यहाँ पर जो है ज़ोंबी को ट्रैप करने वाले हैं। और गाइज ये ज़ोंबी जो ट्रैप करना है ये ऑप्शनल, अगर आप इसमें ज़ोंबी को अगर डाल दोगे तो आपका फार्म स्पीड जो है, जो स्पीड में जो है आयरन है वो गोलम स्पॉन होगा। सो इसको जो है ज़ोंबी को हमें एक नेम टैग भी लगाना पड़ेगा। और भाई हमारा शायद फार्म काम करने लग गया है। और नेम टैग लगा देने के बाद ये है कि हमारा जो ज़ोंबी है वो डिस्पॉन नहीं होगा। सो अभी हमने नेम टैग है उसे नेम दे दिया है। सो अभी इसे मैं ज़ोंबी के ऊपर लगा देता हूँ चलकर। सो गाइस ज़ोंबी के ऊपर भी हमने अभी नेम टैग लगा दिया है। और अभी नेम टैग लगाने के बाद इस जगह को मैं वापस से कवर कर देता हूँ। सो यहाँ पर लगाते हैं हम डर्ट, और डर्ट लगाने के बाद वापस यहाँ पर वो लीव्स लगा देता हूँ मैं। सो गाइस हमारा फार्म बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब इसमें जो आया वो भाई बहुत ज़्यादा स्पीड में है, जो है इसमें अब आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं। सो गाइस ये जो फार्म है भाई वो जावा एडिशन में बहुत अच्छा काम करता है, शायद पॉकेट और बेडरॉक एडिशन में ये काम ना करे। सो गाइस आपको ये फार्म कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।